हाय एवरीवन, माई सेल्फ मन्नू कुमार सिंह। आइए आज हम लोग DDU के रसायन विज्ञान के सिलेबस पे हम कुछ चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप सभी को बधाई देना चाहता हूँ कि आप सभी BSc फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट BSc सेकेंड ईयर पहुँच चुके हैं। इसी बेस पे इस COVID-19 की स्थिति में ऑनलाइन वीडियो हम आप सबको प्रोवाइड करा रहे हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। चलिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हम सिलेबस को ध्यान देते हैं। इसमें आपको पहला चैप्टर पढ़ना है कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दैट इज EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दैट इज EMF एंड देयर यूटिलिटी, ठीक है। ये शायद आप लोग इंटर में थोड़ा सा पढ़े होंगे, ठीक है। दूसरा चैप्टर हम देखते हैं जो लगभग 10 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे, जिसे ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब जानते होंगे आप लोग, डी ब्लॉक एलिमेंट को ही तो ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट कहते हैं। इसमें आपको छोटे छोटे टॉपिक पढ़ाने हैं। पहला टॉपिक है पोजिशन इन पीरियोडिक टेबल, मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट का पीरियोडिक टेबल में, दैट इज डी ब्लॉक एलिमेंट का पीरियोडिक टेबल में कहाँ पोजीशन है, ठीक है। उसी डी ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना है, ठीक है। जनरल करेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ना है, जैसे क्या पढ़ना है इसमें, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई पढ़ना है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को ध्यान में देखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसमें देखना है एबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कलर आयन, ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक से आप सभी को 100% क्वेश्चन हर साल आते हैं, ठीक है। ऐसे क्या है, एबिलिटी टू फॉर्मेशन ऑफ कलर आयन, ठीक है। अगला टॉपिक आता है मैग्नेटिक बिहेवियर। जैसे मान लीजिए इसमें क्या है, म्यू स्पिन है, जैसे MS लिखा है, और म्यू इफेक्टिव है, मतलब क्या है, मैग्नेटिक इफेक्टिव देखना है और मैग्नेटिक बिहेवियर स्पिन के रूप में देखना है। इसी के साथ कैटालिटिक बिहेवियर भी है, क्या है, कैटालिटिक बिहेवियर। जनरल कंपरेटिव ट्रीटमेंट ऑफ 4D एंड 5D एलिमेंट विथ देयर 3D एनालॉगस, ठीक है। मतलब इसमें करना क्या है आपको, कि 4D और 5D ट्रांजिशन एलिमेंट को 3D ट्रांजिशन एलिमेंट के एनालॉगस से आपको क्या करना है, जनरल प्रॉपर्टी को कोरिलेट कराना है विथ रिस्पेक्ट टू आयनिक रेडियाई, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। फिर से समझ लीजिए इसको, कि मतलब जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं या डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, उसमें ट्रांजिशन सीरीज होता है, जैसे 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज। इसी में आपको क्या करना है, 4D, 3D और 5D ट्रांजिशन एलिमेंट को एनालॉगस बिहेवियर का अध्ययन करना है, किसके आधार पे, आयनिक रेडियस, ऑक्सीडेशन स्टेट और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के आधार पे। अगला है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, जिस तरह से आप लोग BSc फर्स्ट ईयर में थे और अध्ययन करते थे, क्या, केमिकल बॉन्डिंग, जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते थे, आप लोग देखे भी हैं, एग्ज़ाम दिए भी हैं, ठीक है। तो ये हम अध्ययन करते, तीसरा चैप्टर है इसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जैसे आप लोग इंटरमीडिएट में पढ़े होंगे उपसह संयोजक यौगिक, वही सेम है, बस यहाँ पे क्या है, इंग्लिश में पढ़ना है इसको। इसमें अलग अलग टॉपिक दिए गए हैं, जिसमें कुल पांच ही टॉपिक हैं, जिसमें से पहला है आपका डिफिनेशन ऑफ लिगैंड, मतलब लिगैंड का परिभाषा, डिफिनेशन ऑफ लिगैंड, उसके बाद से उसका क्लासिफिकेशन विथ रिस्पेक्ट टू देयर डेंटिसिटी, मतलब उसमें लोन पेयर ऑफ आयन के हिसाब से या डेंटिसिटी के हिसाब से उसका क्या देना है, डेफिनेशन देना है और क्लासिफिकेशन देना है। जैसे कहाँ से, मोनोडेंटेट, मतलब मोनो टू हेक्सा लिखा है यहाँ पे, तो मोनोडेंटेट लिगैंड से हेक्साडेंटेट लिगैंड तक, ठीक है। अगला टॉपिक आता है इसी चैप्टर का वर्नर पास्टुलेट्स, ये थोड़ा बहुत इंटर में दिया है, सिडविक इफेक्ट एटॉमिक नंबर कॉन्सेप्ट, सिडविक इफेक्ट एटॉमिक नंबर कॉन्सेप्ट। जैसे सिडविक इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कॉन्सेप्ट में हम क्या देखते हैं,
इसको शॉर्ट में कहते हैं EAN, क्या कहते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। EAN क्या कहते हैं, EAN कॉन्सेप्ट, ठीक है। लिमिटेशन और इसकी लिमिटेशन पढ़ना है। उस वक्त वैलेंस बॉन्ड थियरी, जैसे आप लोग BSc फर्स्ट ईयर में थे तो वहाँ पे क्या पढ़े थे, वेस्पर थियरी पढ़े थे, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी। ठीक उसी लहजे में यहाँ पे पढ़ना है आपको क्या, वैलेंस बॉन्ड थियरी, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन वैलेंस बॉन्ड थियरी पढ़ना उसी में पढ़ना है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कॉन्डिशन कंपाउंड का ऑर्बिट और प्रॉपर्टी पढ़ना, कि उसके ऑर्बिटल कैसे ओवरलैप कर रहे हैं, जैसे उस पर वहाँ पे हम लोग अमोनिया का वाटर का स्ट्रक्चर का अध्ययन करते थे, ठीक उसी प्रकार है, लेकिन थोड़ा सा इसमें अलग तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से अध्ययन करना है। जैसे क्या है, इसमें अलग अलग आयन्स दिए गए हैं, इन सब आयन को डिटेल में आप ध्यान से देख लीजिएगा। इसे ही क्या कहते हैं हम, उपसहसंयोजक यौगिक, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। अगला टॉपिक है चिलेट इफेक्ट, ठीक है, चिलेट इफेक्ट ये भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। फिर से इसी का अगला टॉपिक है आपका नॉमनक्लेचर फॉर ओनली मोनो एंड डाई मॉलिकुलर कॉम्प्लेक्स। मतलब क्या है, जब आप लोग इंटरमीडिएट में थे तो उसी समय आपको एक नॉमनक्लेचर पढ़ाया गया था, नॉमनीकरण पढ़ाया गया था, उसमें आपको लिगांड का नॉमनक्लेचर बताया गया था, वही सेम है यहाँ पे। अगला है आपका वेरियस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, समयावता, विभिन्न प्रकार के समयावता देखना है। जैसे क्या है, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म, ठीक है, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म एंड कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। फिर से आपको स्टीरियो आइसोमेरिज्म को ध्यान से देखना है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म को पढ़ना है आपको, सी एनो लिखा है, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से लेकर के कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तक, उसमें भी एक्सेस ध्यान देना है, कि मतलब ओनली जो कोऑर्डिनेशन नंबर आपके 4 हैं उसमें ML4 और MLLL की जगह पे 2, ठीक है, ML4 तरह के एग्जांपल पढ़ने हैं। 6 में एक्सेप्शनल है, सॉरी क्या है, ML4 मतलब क्या है, यहाँ पे M मतलब मेटल, जैसे दिखाते हैं आपको ब्रश की सहायता से, हम देखिए ये दिखा रहे हैं, ये M जो है, ये M ये आपका क्या है, मेटल, और ये जो EL है ये आपका लिगैंड है, ठीक है। तो दो लिगैंड यहाँ पे, दो लिगैंड ये यहाँ पे, और 4 लिगैंड यहाँ पे, कुल मिला के आपका कितने हो जाए, 6, मतलब 6 कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे कहा है, ठीक है। उसके बाद से ये है, देखिए यहाँ पे 3 EL यहाँ पे, मतलब 3 लिगैंड यहाँ और 3 लिगैंड यहाँ, ठीक है। तो इस तरह के एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है आपका नॉन एक्वस सॉल्वेंट, क्या है, नॉन एक्वस सॉल्वेंट, ये थोड़ा बहुत इंटर में दिया गया है, जिसमें इसको क्लासिफिकेशन और करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी पढ़ना है, ठीक है, विभिन्न प्रकार के सॉल्वेंट का, और टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन लिक्विड अमोनिया, ठीक है। फिर से ध्यान समझिए कि क्लासिफिकेशन पढ़ना है सॉल्वेंट का, और इसमें लिक्विड अमोनिया और लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड का, लिक्विड अमोनिया और लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड का विभिन्न प्रकार के केमिकल रिएक्शन को अध्ययन करना है। ये चैप्टर आपका 10 नंबर दिलाएगा, जो अभी कोऑर्डिनेशन नंबर देखे हैं 30 से 32 नंबर के क्वेश्चन इससे ही आते हैं। लास्ट चैप्टर है, बस 5 चैप्टर इसमें है, लास्ट चैप्टर है एसिड बेस कंसेप्ट, ठीक है। इसमें लुईस कंसेप्ट है, आप सभी लोग इंटरमीडिएट में लुईस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, ठीक है। उसके बाद से अगला है लुईस कंसेप्ट का ही क्लासिफिकेशन पढ़ना है, मतलब लुईस कंसेप्ट उसी बात से, उसी कंसेप्ट का क्लासिफिकेशन, और ठीक इसके हिसाब से हार्ड एसिड, ठीक है, सॉफ्ट एसिड, ठीक। उसके बाद से एंड बेस, मतलब फिर से समझाते हैं इसको हम ब्रश की सहायता से। जैसे यहाँ पे हम लोगों को पढ़ना है ये HSAB, ठीक है, HSAB मतलब HSAB प्रिंसिपल, जैसे हार्ड सॉफ्ट एसिड
ये बी, ठीक है, एसिड बेस प्रिंसिपल, ठीक है, इसको अध्ययन कर लेना है। उसके बाद से इसी में है टॉपिक आपका, इसी एच एस ए बी, देखिए यहाँ लिखा है एच एस ए बी प्रिंसिपल का अप्लीकेशन पढ़ लेना है। इतना मतलब इस लास्ट चैप्टर से अप्रॉक्स आपको 10 नंबर के क्वेश्चन मिलते हैं, इसमें कम मतलब नीचे वाले दो चैप्टर के कंपलसरी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ठीक है, आज का यही वीडियो है, आप सभी लोग इस पर इसको ध्यान से देखिए, और नहीं समझ में आए तो रिप्लाई दीजिए, कमेंट करिए कि हमें नहीं आया, तो हम फिर से इसको ट्राई करेंगे बताने के लिए, क्योंकि मेरा पहला वीडियो है। ओके, धन्यवाद।